Friends, try to watch this video till end, then only you will be able to understand what I am trying to deliver. Now friends, coming to the question. Friends, हमें दे रखा है कि एक रॉड है, उसका जो लेफ्ट हैंड साइड एंड है उसको हिंज कर दिया गया है, और फ्रेंड्स ये जो रॉड है ये फ्रीली नीचे की तरफ गिर रही है। तो फ्रेंड्स, जब इस रॉड के एक एंड को हिंज कर दिया जाएगा और इसको नीचे फ्रीली गिरने दिया जाएगा, तो इसका कुछ सर्कुलर मोशन होगा, है ना? और सर्कुलर मोशन होगा तो फ्रेंड्स कुछ इसका एंगुलर एक्सीलरेशन होगा। तो फ्रेंड्स, हमसे बोला गया है कि अल्फा वन इसका एंगुलर एक्सीलरेशन है जस्ट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग दिस एंड। अल्फा टू इसका एंगुलर एक्सीलरेशन है व्हेन इट हैज़ ट्रेवल्ड अ 37 डिग्री एंगल। तो फ्रेंड्स, हमसे पूछा है कि व्हाट विल बी रेशियो ऑफ अल्फा वन एंड अल्फा टू। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स, जब इसके एक एंड को हिंज कर दिया जाएगा और इसको फ्री फॉल के लिए छोड़ दिया जाएगा, तो फ्रेंड्स इसके ऊपर एक्टिंग फोर्स कौन सा है? इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, केवल कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, और कितना है? mg। और फ्रेंड्स, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कहाँ से एक्ट कर रहा होगा? ये इसके सेंटर ऑफ मास से एक्ट कर रहा होगा नीचे की तरफ। ऑलराइट फ्रेंड्स, क्योंकि ये यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? हाफ लेंथ पे होगा। कितनी हाफ लेंथ? एल बाई टू। ओके, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें टॉर्क की, तो केस वन में अगर इसको बोलें तो टॉर्क, और टॉर्क की बात करें केस वन बोलें और टॉर्क की बात करें तो कितना होगा? आर इन टू एफ। आर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ऑफ दिस फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? एल बाई टू है, और फोर्स कितना है? एम जी है। तो एल बाई टू इंटू एम जी क्या हो जाएगा? टॉर्क हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, टॉर्क का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या कहता है? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। आई क्या है? आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फ्रेंड्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना होगा? फ्रेंड्स, ये यूनिफॉर्म रॉड है और इसके एक एंड पे इसको हिंज किया गया है। तो फ्रेंड्स, किसी जो यूनिफॉर्म रॉड होती है उसके किसी भी एंड के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम एल स्क्वायर बाई थ्री। वैल्यू पुट कर देते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? टॉर्क एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू अल्फा। अब वन और टू इक्वेशन से इक्वेट करा देते हैं, तो क्या होगा? एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू अल्फा इक्वल टू एल बाई टू एम जी। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? थ्री जी बाई टू एल, और ये क्या हो जाएगा? अल्फा वन। अब फ्रेंड्स, अगर बात करें आफ्टर ट्रेवलिंग 37 डिग्री, तो फ्रेंड्स जब ये 37 डिग्री ट्रेवल कर लेगा तो इसका एंगल की बात करें, ज़रा एंगल्स की अगर बात करें, तो फ्रेंड्स ये 37 है ये 37 है तो ये 53 होगा, ये 53 होगा तो ये 37 होगा ये वाला, और फ्रेंड्स अगर ये 37 है तो ये भी 37 होगा। तो इस तरह से ये 37 आया। तो फ्रेंड्स, एम जी का जो कंपोनेंट है इससे रॉड के परपेंडिकुलर अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? एम जी कॉस 37, और इस रॉड के अलॉन्ग अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? एम जी साइन 37। अब फ्रेंड्स, इस एम जी साइन 37 की वजह से टॉर्क कितना हो जाएगा? ज़ीरो। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़ीरो है
फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से। दूसरा फ्रेंड्स, इस एम जी कॉस 37 से अगर बात की बात करें तो फ्रेंड्स ये जो डिस्टेंस है ये अभी भी कितनी है, एल बाई टू, ये अभी भी एल बाई टू है। तो एम जी कॉस 37 इंटू एल बाई टू ये कितना आ जाएगा, एम जी इंटू 4/5 इंटू एल बाई टू, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/5 एम जी एल। ये इक्वेशन वन। दूसरी इक्वेशन की बात करें तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अब आई फ्रेंड्स अभी भी चेंज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स एक्सिस ऑफ रोटेशन वही की वही है। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम एल स्क्वायर बाई थ्री, और अल्फा ऐसा ही रहेगा। तो फ्रेंड्स हमारे पास क्या आ गया, टॉर्क की दो इक्वेशन आ गई, दोनों को इक्वेट करा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई थ्री इक्वल इंटू अल्फा इक्वल टू 2/5 एम जी एल। यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू आएगी कितनी, 6g/5l। कैसा है फ्रेंड्स, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 इधर जाके 6 बना देगा, और g इधर ऑलरेडी अवेलेबल है, l नीचे आ जाएगा और ये 5 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो 6g/5l। तो अल्फा हो गया कितना, 6g/5l। अब फ्रेंड्स अल्फ़ा वन निकालना है हमें, तो अल्फ़ा टू कितना हो जाएगा, 6g/5l, और अल्फ़ा वन कितना हो जाएगा, 3g/2l। तो l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 6/5 इंटू 2/3, ये 3 से 6 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/5। इसका आंसर आएगा 0.8। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर एनालिसिस की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका एंगुलर एक्सीलरेशन जो है वो है अल्फा वन, यहाँ पर कितना है, अल्फा टू। फ्रेंड्स अल्फा टू बाई अल्फा वन, अल्फा बाई टू अल्फा वन जो है वो क्या है, लेस देन वन है। इसका मतलब अल्फा टू लेस देन है अल्फा वन से। अब ऐसा क्यों हो रहा है फ्रेंड्स, जो एक्टिंग फोर्स है जो इसको टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है वो कम हो गया। यहाँ पर mg था, यहाँ पर mg cos 37 ही बचा, इसलिए इसका क्या हुआ, एंगुलर एक्सेलरेशन कम हो गया। तो यही कहानी थी इस क्वेश्चन की, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।